बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि कार में ही मैं नॉर्मली क्या है, मैं कार में ही अपना मेकअप करती हूँ जब बहुत ज़्यादा लेट होती है, क्योंकि वहाँ पे हम फ्री होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज वीडियो शेयर करती हूँ कि कार में हम कैसे मेकअप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीतू है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, क्योंकि मेकअप करने से पहले हमारे जो हैंड हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे सैनिटाइजर। तो देखिए, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का कंसीलर और इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा लूँगी और अपने हैंड से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे कोई ब्रश यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ट्रैवल टाइम है, उस समय इतनी सारी चीज़ें कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है और आपका बैग जितना हल्का हो उतना बेटर है। तो मैं बस हैंड से ही ब्लेंड करूँगी और ईजी टू ब्लेंड है। स्विस ब्यूटी के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मेबलिन का कॉम्पैक्ट और जो भी मैं यहाँ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और बहुत ही नॉर्मल मेकअप लगेगा आपका, मैंने इसमें इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं। अगर आप कॉम्पैक्ट से अपना मेकअप सेट नहीं करेंगे तो जो आपका मेकअप है बहुत ही केकी लगता है, तो कॉम्पैक्ट से सेट करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए अभी यहाँ पर जो है मेरा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट हो गया है, और क्योंकि अभी हम दिन में बाहर जाने वाले हैं तो वहाँ पर जो है ना मेकअप थोड़ा आपका नेचुरल लगना चाहिए, इसलिए मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, मैंने सिर्फ कंसीलर लगाया है और कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। मेरा ये जो मेबलिन का कॉम्पैक्ट है मैंने वो यूज़ किया, और आप यहाँ देख सकते हैं इसके जिस बन जाता है वो बहुत ही अच्छा और अच्छे से होता है, और इसमें मिरर भी दे रहा है, तो मेरे दोनों काम हो रहे हैं इससे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाई है स्विस ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक और ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और कार इतनी ज़्यादा हिल रही थी ना कि लिपस्टिक लगाने में तो बहुत ही आफत आ रही थी, रोड तो इतनी बुरी थी ना कि पूछो ही मत। अगर आपके पास बुलेट लिपस्टिक है तो आप वो लगाएंगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा, बट चैलेंजेस लेने में तो मुझे बड़े मज़े आते हैं, तो मैं इसीलिए यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ। और इसको लगाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं जैसे ही देख रही थी गाड़ी थोड़ी भी स्लो हो रही है वैसे ही मैं इसे अप्लाई कर रही थी। उसके बाद आईब्रो पेंसिल से मैं अपनी जो है आईब्रोज फिल कर लूँगी। आईब्रोज को फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमेशा ब्राउन जो आईब्रो पेंसिल होती है वही यूज़ कीजिए, इससे आपको नेचुरल लुक मिलता है और आपका जो मेकअप है वो कंप्लीट लगता है, इसलिए आईब्रोज को फिल करना कभी भी ना भूलें। तो देखिए, यहाँ पर जो है मैंने लिपस्टिक को एज अ ब्लशर यूज़ किया है, आप भी लिपस्टिक को एज अ ब्लशर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा हैक होता है ये। और ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए सेम टू सेम आप भी वही प्रोडक्ट यूज़ करें, आपके पास जो प्रोडक्ट हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं अपने चैनल में हमेशा रीजनेबल प्रोडक्ट ही यूज़ करके बताती हूँ ताकि वो सबके लिए ईजी टू रीचेबल हो। तो देखिए, मैं बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको। हम लोग हिल स्टेशन गए थे तो हर 1 किलोमीटर में एक मोड़ था और लिटरली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मेकअप करने में, हाईवे में मेकअप करने में उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर उन्हीं हाथों से जो है मैं आँखों के ऊपर लगा लूँगी एज अ आई शेडो, तो इससे नेचुरल लुक आता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का मस्कारा। और जब भी आप आई मेकअप करें ऑनलाइन तो बहुत ही ध्यान देकर मेकअप कीजिए, अदरवाइज अगर आंखों में लग गया ना तो बहुत तगड़ा वाला लगता है। तो वैसे ही मैंने पूरे मेकअप में ऑलमोस्ट स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट ही यूज़ किए हैं, आजकल मैं बहुत बड़ी वाली फ़ैन हो रही हूँ। और यहाँ पर मैं लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का काजल, और अगर आपके पास जो पेंसिल वाला काजल होता है उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे ब्रश वाला यूज़ कर रही हूँ और मुझे काजल लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। जैसे ही कार थोड़ी भी स्लो हो रही थी वैसे ही मैं काजल लगा रही थी, और काजल लगाने के लिए थोड़ा टाइम लीजिए, जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। जब तक मैं अपना काजल लगा रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस हों वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। मैं अपने चैनल में हमेशा रीजनेबल प्रोडक्ट ही लाती हूँ, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट तो है नहीं, तो हमें रीजनेबल प्रोडक्ट में अच्छा मेकअप करना होता है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं रीजनेबल प्रोडक्ट ही लाऊं। और लास्ट में मैं यहाँ पे लगाऊंगी बिंदी, और जो भी मेरा मैंने एज अ ब्लश लिपस्टिक यूज की थी वहां पे मैं कॉम्पैक्ट लगा लूंगी और सेट कर यहाँ लूंगी पे अपने। मेरा मेकअप हो गया है, नेचुरल मेकअप किया है, तो कार में ये वाला मेकअप करना बहुत ईजी रहता है, तो जरूर ट्राई कीजिए ये वाला मेकअप। तो ये है मेरा फाइनल लुक, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।